And next C programs, mostly asked questions from my interviewers. Write a C program to print Fibonacci series up to n terms, where n is a number of displayed terms. Suppose that अगर Fibonacci series के cases में आपको number of terms display करना, Fibonacci series के case में अगर आप series display करो, तो series का meaning क्या है? Series के case में first beginning two numbers always fixed है, first number is 0, it will start from 0, and second time is 1. In that case, third term calculate करने के लिए आप use करो always sum of previous two terms. Previous two terms के case में इसका sum क्या आएगा? 0 plus 1 is 1, again 1. This is the third term. This is first term, this is second term, this is third term, series and number of terms corresponding. Next one, अगर fourth term calculate करना है, तो fourth term क्या आएगा? Sum of second term and third term. Second term क्या है? 1, third term भी क्या है? 1, 1 plus 1 is 2. Next one, अगर fifth term calculate करना है, fifth term क्या रहेगा? Sum of previous two terms. Fifth के just subsequently two terms क्या found है? Fourth and third. Third term क्या है? 1, fourth term क्या है? 2, 1 plus 2 is 3. Sixth term calculate करना क्या है? 3 plus 2 is 5. Seventh term calculate करें, वो use क्या करेंगे? 5 plus 3 is 8. Eighth term is 8 plus 5 is 13. Ninth term is 13 plus 8 is 21. Tenth term is 21 plus 13 is 34. And so on. इस तरह से up to n terms calculate करना possible है for a Fibonacci series. In that case, series के केस में इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के सबसे पहले डिसाइड करें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेरिएबल्स void main. मींस इस केस में भी अगेन लॉजिक्स इंप्लीमेंट करेंगे या सोर्स कोड राइट करेंगे अलोंग विद देयर लॉजिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में बिगिनिंग टू नंबर्स को होल्ड करने के लिए यूज क्या करेंगे? सम वेरिएबल डिक्लेरेशंस इंटीजर a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 1. फर्स्ट टाइम सीरीज को मैनेज करेंगे सम एक्स्ट्रा वेरिएबल है c. सीरीज किसके थ्रू मैनेज करूंगा? एक्स्ट्रा वेरिएबल है सी. फर्स्ट टाइम सी होल्ड करेगा फर्स्ट टर्म मींस 0, इसलिए आउटपुट में क्या प्रिंट होगा? 0. नेक्स्ट टाइम सी में स्टोर होगा सेकंड टर्म मींस 1, इसलिए डिस्प्ले क्या होगा? 1. थर्ड टाइम क्या आएगा? प्रीवियस 2 का एडिशन मींस 1. थर्ड टर्म 1 में किस में साइन होगा? सी में, इसलिए फिर से डिस्प्ले कराएंगे जब 1. नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट होगा जब 2, 1 प्लस 1 इज 2. इसे एवरी टाइम जो भी टर्म्स कैलकुलेट होंगे आसानी किस में होंगे? सी में, इसलिए डिस्प्ले क्या कराऊंगा? एवरी टाइम सी नॉट अ ए बी, इसलिए एक और एक्स्ट्रा वैल्यू यूज करेंगे सी विद इनिशियल वैल्यू है 0. नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म कब तक डिस्प्ले कराना है? अप टू n, इसलिए रिक्वायर्ड क्या है? एक्स्ट्रा वेरिएबल एज n, n इज अ टोटल नंबर ऑफ डिस्प्ले टर्म्स. प्लस लूप को मैनेज करने के लिए यूज करेंगे वेरिएबल i, वेरिएबल i. नेक्स्ट रिक्वायर्ड केस फर्स्ट ऑफ वन प्रिंट एफ और पोर्ट्स प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टर्म्स एंटर नंबर ऑफ टर्म्स और टोटल डिस्प्ले टर्म स्लैश एन देन यूजिंग स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस एट एन. नेक्स्ट एन का वैल्यू रीड कराने के जस्ट बाद देन अब सीरीज को मैनेज करने के लिए लूप रिक्वायर्ड होगा. लूप किसके रिस्पेक्ट में मैनेज करें? टर्म्स के रिस्पेक्ट में, ना कि सीरीज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सीरीज में एक प्रॉपरली कोई भी सिक्वेंस नहीं, कोई भी प्रॉपर डिफरेंस नहीं. फर्स्ट टाइम डिफरेंस कितने का है? 1 का. सेकेंड टाइम 0 का, 1. नेक्स्ट टाइम डिफरेंस कितने का? अगेन 1 का. नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 3, नेक्स्ट टाइम डिफरेंस कितने का? 5 का. लाइक दैट. इस तरह से सीरीज किसके रिस्पेक्ट में मैनेज करें? नंबर ऑफ टर्म्स. टर्म्स के केस में लूप को इनिशियलाइज करेंगे विद इनिशियल वैल्यू एज आई इज इनिशियलाइज्ड बाई 1. देन कंडीशन, लूप एग्जीक्यूट कब तक कराना? जब तक आई का वैल्यू एन से छोटा है. मीन सिंपली प्रीवियसली लूप मैनेज करेंगे लाइक अ प्रीवियस केसेस. फाइनली प्रोवाइड करेंगे इस केस में सम लॉजिक्स मीन सोर्स कोड के साथ साथ इसका इटरेशन भी स्टार्ट करते हैं. जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले परफॉर्म कर रहा है प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस. तो नंबर ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशंस के अकॉर्डिंग जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, मेमोरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने क्रिएट हो रहे हैं? देयर आर 5 वेरिएबल्स. There are 5 variables. Variable A, variable B, C, I and N.
something variable a, b, c, then n, comma I in the form of stack. Initial value of a 0, b is 1, c is 0. C means actual terms manage किसके respect में करेंगे? C के respect में. सारे start up manage किसके होना है? C के through. Next time जो loop execute होना start होगा loop के according. Suppose that according to scanf function we are entering 7. We want to display beginning 7 terms of the Fibonacci series. तो इसके इसमें n का initialization किसके होना 7 से इसलिए loop भी totally कितनी बार execute होगा? From 1 to 7. क्योंकि n का value क्या? 7. देन जैसे इस लूप के केस में इनिशियलाइजेशन परफॉर्म हुआ इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग आई का इनिशियलाइजेशन किस हो रहा 1 से देन आफ्टर दैट वी आर डिस्प्ले मींस लूप के बिगिनिंग में एवरी टाइम डिस्प्ले क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ सी देयरफॉर वी आर डिस्प्लेइंग प्रिंट एफ परसेंट डी स्पेस वैल्यू ऑफ सी जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा इसके केस में डिस्प्ले क्या हो जाएगा आउटपुट और आउटपुट के केस में प्रिंट हो रहा है वैल्यू ऑफ सी करंटली सी में 0 स्टोर है इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ 0 नेक्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू लॉजिक्स अब ए और बी एवरी टाइम इंटरचेंज होगा मींस ए में क्या असाइन कराएंगे वैल्यू ऑफ बी ए इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ बी ए का वैल्यू 0 इसलिए बी में भी क्या असाइन हो जाएगा आल्सो 0 ए इक्वल्स टू बी सॉरी बी का वैल्यू क्या 1 1 इज असाइन टू द वेरिएबल ए तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके जस्ट बाद 1 नेक्स्ट टाइम अब बी को असाइन करना बी में क्या असाइन कराएंगे नेक्स्ट टर्म मींस वैल्यू ऑफ सी बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सी सी का वैल्यू 1 फाउंड हो रहा इसलिए बी का वैल्यू क्या सॉरी सी का वैल्यू 0 इसलिए बी का वैल्यू क्या इनिशियलाइज होगा 0 नेक्स्ट टाइम ए में क्या असाइन कराएंगे सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स बिगिनिंग टू टर्म्स सो बिगिनिंग टू टर्म्स ए और बी के थ्रू मैनेज किए थे ए का वैल्यू क्या 1 और बी का वैल्यू क्या 0 इस केस में असाइन क्या कराएंगे सी इक्वल्स टू वेरिएबल c इक्वल्स टू a प्लस बी ए का वैल्यू क्या करंटली 1 प्लस b का वैल्यू 0 0 प्लस 1 इज 1 असाइन टू द वेरिएबल c वैल्यू ऑफ c बिकम्स 1 नेक्स्ट वन क्लोजिंग दिस लूप क्लोजिंग मेन फंक्शंस आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू था क्योंकि आई का वैल्यू 1 था इसके जस्ट बाद कंट्रोल कांस्टेंट मींस ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तीनों ही ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस I++ के अकॉर्डिंग I का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 नेक्स्ट वन 2 के जस्ट बाद कंडीशन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग क्या I लेस देन इक्वल्स टू n वैल्यू ऑफ n इज 7 तो I का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 था लेकिन करंटली अब वैल्यू क्या हो चुका 2 2 लेस देन इक्वल्स टू 7 कंडीशन इज ट्रू ट्रू है फिर से प्रिंट एफ फंक्शंस के थ्रू डिस्प्ले क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ a a का वैल्यू क्या 1 ऑलरेडी डिस्कस किया था फिबोनाची सीरीज में बिगिनिंग टर्म्स क्या थे 0 1 इन दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए 1 अगर इन दोनों का एडिशन क्या आएगा 2 इन लास्ट 2 का एडिशन क्या आएगा 3 3 प्लस 2 इज 5 5 प्लस 3 इज 8 a प्लस 3 5 इज 13 13 प्लस 8 इज 21 20 प्लस 21 प्लस 13 इज 34 इस केस में डिस्प्ले क्या कराना ओनली बिगिनिंग 8 टर्म्स 4 प्लस 4 मींस एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है दैट वन इस केस में भी डिस्प्ले क्या हो चुका 0 एंड 1 तो नेक्स्ट कमिंग टर्म कौन सा हुआ इस केस में 1 नेक्स्ट वन आई के केस में आई प्लस प्लस हो चुका मींस देन कंडीशन टेस्टिंग हो चुका है डिस्प्ले क्या आ चुके हैं वैल्यू ऑफ सी सी का वैल्यू करंटली क्या 1 इसलिए डिस्प्ले क्या हो चुका 1 नेक्स्ट टाइम अगेन ए में क्या असाइन हुआ ए इक्वल्स टू बी और बी का करंट वैल्यू क्या है 0 इसलिए ए में क्या असाइन हुआ आल्सो 0 वैल्यू ऑफ ए बिकम्स 0 नेक्स्ट वन बी के केस में क्या असाइन हो रहा है वैल्यू ऑफ सी सी में करंटली 1 स्टोर्ड है सी का वैल्यू क्या है 1 असाइन किस में हो रहा है बी के अंदर तो बी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा आल्सो 1 नेक्स्ट टाइम ए सी इक्वल्स टू ए प्लस बी ए का वैल्यू क्या है 0 बी का वैल्यू क्या है 1 0 प्लस 1 इज 1 वैल्यू ऑफ सी बिकम्स अगेन 1 नेक्स्ट वन परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस आई बिकम्स 3 देन कंडीशन टेस्टिंग 3 लेस देन इक्वल्स टू 7 कंडीशन इज अगेन ट्रू कंडीशन टू देन डिस्प्ले क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ सी सी का वैल्यू क्या करंटली 1 इसलिए प्रिंट क्या हुआ 1 देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या इसके जस्ट बाद सी डिस्प्ले होने के बाद ए इक्वल्स टू बी ए का वैल्यू बी का वैल्यू क्या करंटली 1 कॉपी किस में हो रहा है ए के अंदर इसलिए ए का न्यू वैल्यू क्या होगा 1 नेक्स्ट टाइम बी इक्वल्स टू सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 1 तो 1 आसान किस में हो जाएगा इनसाइड बी अब वैल्यू ऑफ बी बिकम्स 1 नेक्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ
सी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए का वैल्यू कितना सो रहा है 1 प्लस बी का वैल्यू कितना है ऑल्सो 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 इज असाइन टू द वेरिएबल सी, इस केस में सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट वन, सी का वैल्यू भी असाइन होने जस्ट होता है कंट्रोल कांस्टेंट होगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग, 4 लेस देन इक्वल्स टू 7 कंडीशन इज 2, अगेन प्रिंट एफ, प्रिंट एफ को चांस मिलेगा तो प्रिंट एफ से डिस्प्ले क्या हो रहा है सिंपली वैल्यू ऑफ सी, सी में क्या है 2 और 1 के बाद नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू भी क्या था ऑल्सो 2, 2 डिस्प्ले हो चुका है। इसके जस्ट बाद परफॉर्म क्या हुआ अगेन ए इक्वल्स टू बी, वैल्यू ऑफ बी इज 1, बी का वैल्यू 1 है तो ए में भी क्या आसान हो जाएगा ऑल्सो 1। नेक्स्ट वन बी में क्या आसान होगा वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू 2 इसलिए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, एंड सी में क्या आसान होगा ए प्लस बी, ए का वैल्यू कितना सो रहा है 1, बी का वैल्यू कितना सो रहा है मेमोरी के अंदर 2, 1 प्लस 2 इज 3 असाइन टू द वेरिएबल सी। नेक्स्ट थिंग्स अगेन ये तीनों ऑपरेशन 1 बाय 1 कंप्लीट करने के बाद अब फिर से चांस किसको मिलेगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, अगेन 5 लेस देन इक्वल्स टू 7 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर से चांस किसको मिलेगा बॉडी डिस्प्ले परफॉर्म क्या हुआ प्रिंट एफ, प्रिंट एफ से सी का वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे सी में क्या स्टोर है 3 और 2 के बाद रिक्वायर्ड वैल्यू भी क्या था ऑल्सो 3। नेक्स्ट वन अगेन ए इक्वल्स टू बी, बी का वैल्यू 2 फाउंड हो रहा है इसलिए ए में क्या आसान हो जाएगा 2, एंड नेक्स्ट टर्म क्या है बी इक्वल्स टू सी, सी का वैल्यू 3 है इसलिए बी में क्या आसान हो जाएगा 3, एंड सी इक्वल्स टू क्या है ए प्लस बी, 3 प्लस 2 इज 5 इसलिए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। मीन्स फिबोनाची टर्म्स के सारे नंबर्स मैनेज किस में इनसाइड वेरिएबल सी के फॉर्म में। नेक्स्ट वन फाइनली तीनों ही असाइनमेंट परफॉर्म होने के बाद परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस, अब नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई बिकम 6 देन कंडीशन टेस्टिंग 6 लेस देन इक्वल्स टू 7 कंडीशन अगेन 2, कंडीशन 2 है देन फिर से परफॉर्म क्या होगा बॉडी एग्जीक्यूशन, बॉडी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले वैल्यू ऑफ सी, सी वैल्यू इज 5 देयरफॉर डिस्प्लेड वैल्यू इज ऑल्सो 5। नेक्स्ट वन अगेन असाइनमेंट ए इक्वल्स टू बी, बी का वैल्यू 3 है इसलिए 3 कॉपी किसमें जाएगा इनसाइड ए, एंड बी में क्या आसान होगा सी, सी का वैल्यू 5 इसलिए बी का वैल्यू क्या आएगा 5, एंड सी में क्या आसान होगा ए प्लस बी, 3 प्लस 5 इज 8 वैल्यू ऑफ सी बिकम्स 8। मीन्स तीनों ही असाइनमेंट करने के जस्ट बाद आई प्लस प्लस वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 7, देन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट कराएंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा आई का वैल्यू क्या करंटली 7, 7 लेस देन इक्वल्स टू 7 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन अगेन कंट्रोल सेंड करें इनसाइड बॉडी सेशन, कंडीशन ट्रू होने के बाद कंट्रोल कहाँ सेंड करें इनसाइड बॉडी, बॉडी के अकॉर्डिंग अगेन डिस्प्ले हुआ वैल्यू ऑफ सी और सी वैल्यू क्या करंटली 7, सॉरी सी वैल्यू इज करंटली 8। नेक्स्ट वन अगेन असाइनमेंट ए इक्वल्स टू बी, ए में बी असाइन हुआ बी का वैल्यू 5 इसलिए ए का वैल्यू क्या हो जाए 5, बी इक्वल्स टू सी, सी का वैल्यू 8 है, देन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, 8 प्लस 5 इज 13। नेक्स्ट वन आई प्लस प्लस वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 8 कंडीशन टेस्टिंग 8 लेस देन इक्वल्स टू 7 कंडीशन बिकम फॉल्स, फॉल्स है तो कर्सर बाहर आएगा इसके जस्ट पहले, टोटल कितने टर्म डिस्प्ले हो चुके हैं बिगिनिंग 7 टर्म्स, आई का वैल्यू क्या एंटर एन का वैल्यू 7 एंटर किया था इसलिए डिस्प्ले भी कितनी हुआ बिगिनिंग 7 टर्म्स, काउंट दैट। इस तरह से एन प्रीवियस या एन बिगिनिंग नंबर्स फिबोनाची सीरीज के फॉर्म में डिस्प्ले कराना पॉसिबल बाय यूजिंग दिस लॉजिक्स।